इस वीडियो का एक और फायदा है कि ये भी समझ पाएगा कि क्या इनको दिक्कत है ना, और क्योंकि मैं बोल दूं और आप बोल दो कि ये चीज है तो। वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा, मेरे साथ महबूब है, शेख महबूब। ये महाराष्ट्र से, अंगोला से आए हैं और इनकी जो प्रॉब्लम है वो है शोल्डर की, ऊपर नीचे की, जो कि हमें भी दिख रहा है। आप देखेंगे कि ये है लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड, और राइट में अगर आप देखेंगे तो ये शोल्डर आगे की तरफ जा रहा है, मूव कर रहा है, गर्दन मोर और लेस सीधी है, और दोनों ये लव हैंडल्स देखेंगे हल्का सा नीचे की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि इनका जो, देख सकते हैं कि ये राइट साइड की तरफ झुकावट है, ये पोस्चर ऐसा जा रहा है, इसी की वजह से ये शोल्डर दोनों मैच नहीं कर रहे। और अगर आप ये साइड से देखेंगे, थोड़ा सा ऐसे घूम जाओ, थोड़ा सा ऐसे हो जाओ, तो देखेंगे कि ये दोनों बैक पे कितना ज्यादा प्रेशर आ रहा है। इतना गड्ढा नॉर्मल नहीं होता है, इससे कम गड्ढा। पेट जरा अंदर खींचना, पेट को अंदर खींचो, अंदर खींचो, हाँ और खींचो, तो देखिए ये थोड़ा सा कम हुआ, तब ये कर्वेचर आना चालू हुआ। इनका क्या है कि पाँव की वजह से ही, छोटो सांस, पाँव की वजह से ही इनका, अभी मैंने चेक नहीं किया है बट नीचे देखने में फ्लैट फुट है, और ये जब चलते हैं तो जब ये चलते हैं तो ये इस तरह से चलते हैं, है ना। इसी वजह से ये सारा जो एक्स्ट्रा जो बना हुआ है, ये एक्स्ट्रा जो निकला हुआ है, ये उसी की वजह से है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि वजन तो ज्यादा है ही नहीं, यंग लड़का है, 24 साल का है ना, 23 साल का है ये, है ना। और थोड़ा सा अगर यहाँ पे नजर डालें तो ये मसल भी इस तरह से घूम के जा रही है, ये भी बहुत ज्यादा जोर पड़ने की वजह से मोटी होने लग गई है, यही सारी प्रॉब्लम है। और पैर का भी मैं दिखा दूंगा कि पैर में किस तरह से हो रहा है, गर्दन मोर और लेस सीधी लाइन पे आ रही है। लेजर लाइट निकालना है, मैं लेजर लाइट से भी चेक करा दूं। इसमें देख सकते हैं किस तरह से बैक घूमते हुए जा रही है ना। अब बिल्कुल करेक्ट समझ आ गया कि इस जगह पे थोड़ा सा एस बन रहा है, ये एस बन रहा है। तो आप देखें इस लाइन पे ये इस तरह से एस बन रहा है, और ये पोस्चर इस तरफ, ये इस तरह से जा रहा है, ये मसल का देखें। हाँ, बिल्कुल सही ड्रॉ किया है, ये इस तरह से। और जब गर्दन है सीधी लाइन, ये होनी चाहिए, और गर्दन की कहाँ जा रही है, इस लाइन में। तो इतना हमारे पास अंतर है। और अगर हम शोल्डर की लाइन ड्रॉ करें, सिर्फ इसका अपर बॉर्डर लेते हैं स्कैपुला का, और यहाँ का स्कैपुला का अपर बॉर्डर लेते हैं, थोड़ा सा मेरा हाथ जरूर हिल सकता है, लेकिन मेरे हाथ में थोड़ी बहुत तो ये चीज आप देख सकते हैं कि शोल्डर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है, जो कि ये बार बार सोचता रहता है ना। लेकिन स्पाइन ऊपर नीचे जरूर है, स्पाइन जरूर घूम रही है, और ये जो लेवल है, ये जो स्कैपुला बोलते हैं, मिटा देना इसका सारा, इसी से हम बैक की शेप का एंगल मेजर करते हैं। तो बॉर्डर्स इसके समझ आ रहे हैं, ये तब भी स्ट्रांग है जो कमजोर एंगल है वो सीधा वाला है, है ना। और अगर हम नेक को देखें, नेक इस लेवल पे है, हाँ, इसमें मुझे हल्का सा ये जो ये वाला साइड है ये थोड़ा सा ऊपर नजर आ रहा है, जो हल्का सा शोल्डर जो ऊपर है वो ये है, हल्का सा जो नीचे है वो ये है, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो सारा दिक्कत है वो इसी लेवल पे है, और इसके पांव की वजह से ये जो दो गोले हैं ये ज्यादा डीप हो गए, है ना। यही मोर और लेस प्रॉब्लम है। अब मैं इसके पांव देखने में पूरे फ्लैट फीट नजर आ रहे हैं, मैं थोड़ी सी फोटोज भी लगा दूंगा इसमें, ये फ्लैट फीट है, उसी का इलाज करके ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, मिस्टर शेख महबूब। ओके, जो वीडियो देखते रहिएगा दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सॉल्यूशन है, इस तरह से आप अपने घर पे भी चेक कर सकते हैं।
और फिर भी आपको समझ नहीं आए तो आप हमारे पास आ सकते हैं। बट कई चीजें ऐसी होती है कि आप कर भी लेंगे तो आपको उसका समझ नहीं आएगा कि मैं किस तरह से ठीक करूं। बट कुछ तो ये थोड़ा बहुत जिसको दिक्कत होगी उसका तो सोल्यूशन घर पे ही हो सकता है। तो आप देख सकते हैं इसकी राइट वाली पाँव की छाप इसी में भी यहाँ से है ना, तो काफी ज्यादा है ना, और लेफ्ट वाली छाप जो है वो थोड़ी सी कम है, कम नहीं दोनों बराबर ही हैं लेकिन काफी ज्यादा है छाप है ना। थोड़ा पीछे है ना, और पीछे आओ, बस वहीं पे भी बनाओ है ना, और ज्यादा क्लियरली नजर आ रही है। थोड़ी बहुत अगर मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँ छाप है ना, और इसमें भी देखो ऑलमोस्ट छाप ये कोलैप्स्ड वाली ही आ गई है ना। थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा जिस जगह बचा है ये है उल्टा पाँव है ना, ये है सीधा पाँव है ना, थोड़ा सा उल्टा पाँव में बचा है, सीधा पाँव पूरा खत्म हो गया है। इसका मतलब यही होता है जो टायर में हवा पूरा फ्लैट हो जाता है ना, पंचर हो जाता है, वो जो दिक्कतें आती हैं वही है, तुम्हारा टायर में कील लगा हुआ है, कील निकालने की जरूरत है। घूम जाए देखो कितना मोटा हो गया है इसका पाँव, घुटने मोड़ो और मोड़ो, पाँव की उंगलियां पकड़ लो, ऊपर। आप देखेंगे हमने यहाँ पे तीन फोटो लिए हैं, फर्स्ट इज स्टैंडिंग फोटो जिसमें नॉर्मल खड़े हुए थे, दूसरी फोटो में इन्होंने नी बेंड किया था जिसको हम डायनेमिक या चलने की फोटो बोलते हैं, थर्ड फोटो में हमने इनकी उंगलियाँ ऊपर की जिसको हम करेक्शन के फोटो बोलते हैं, जिससे इनके जो भी एंगल्स हैं पाँव के सारे ठीक हो जाएँ। तो हमने ये देखा कि इनकी पहली फ़ोटो तब भी ठीक है लेकिन तब भी डेविएशन नज़र आ रहा है, और दूसरी फ़ोटो सबसे ज़्यादा ख़राब है, तो इनके लिए इंसोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों अब मिस्टर शेख महबूब का मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, इतना कुछ हमने देखा है, अब नज़र आता है कि कुछ खुलना भी चाहिए। आपने सब इसका पाँव का भी देख लिया है, बैक का भी देख लिया है, इसका मैंने कपिंग भी कर दिया है, नीडलिंग भी कर दिया है ना, ठीक लगा है ना, छोड़ेंगे ब्रीद आउट इजी नाइस नाइस, टर्न कर लेंगे मेरी तरफ, नीचे वाला पैर सीधा कर लेंगे इजी, वेरी गुड, उस तरफ बैक भी टाइट है आपकी इस तरह जो, रिलैक्स, नीचे वाला पैर सीधा, नीचे वाला सीधा, नीचे वाला, नीचे वाला सीधा, छोड़ो रिलैक्स, वेरी गुड, ऊपर जाओ, इसका पाँव का शेप देखो कैसे नीचे ऐसा हो गया है ना, देख लो सीधा हो जाओ, लेटे रहो छोड़ो चलो, हाँ जाओ, अब बताओ इनको कैसा फील कर रहे हो? अच्छा लग रहा है आप सर, हाँ मस्त लग रहा है, हाँ ठीक है ठीक है। तो दोस्तों अब आप ये वीडियो इसने महबूब ने हमने मिलके बहुत मेहनत से बनाई है, अब आप इसको जल्दी से बहुत सारे लाइक शेयर कर दीजिए ताकि हम और वीडियो बनाते रहें, आप तक पहुंचाते रहें और इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।